Assalamu alaikum everyone, my name is Mohsin Alvi and I'm a research fellow in the Department of Health Economics Research at Pakistan Institute of Living and Learning. आज जो हमारा जो कोर्स है जो फंडामेंटल ऑफ हेल्थ इकोनॉमिक्स है इसका हमें एक नया टॉपिक आज हम पढ़ेंगे जो कि टॉपिक अब हम आपको बताएंगे कि नेक्स्ट स्लाइड में हेल्थ केयर इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान. बेसिकली आज हम बताएंगे कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री जो है पाकिस्तान की वो कैसी है, इसके अंदर किस किस्म के सेक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से सेक्टर्स जो हैं इसके साथ एसोसिएटेड हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ेंगे. अच्छा, इनिशियली थोड़ा सा वी विल टॉक अबाउट अ बिट अबाउट स्ट्रक्चर्स के हेल्थ केयर का स्ट्रक्चर कैसा है पाकिस्तान का. जो हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ पाकिस्तान कंसिस्ट ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स. बेसिकली जो कुछ ऐसे कंट्रीज होते हैं जो कि फुली बेसिकली रिलाई करते हैं ऑन द सोशलिज्म और वो कैपिटलिज्म के ऊपर नहीं होते, तो वो लोग चाहते हैं कि उनका जो हेल्थ केयर जो सेक्टर है वो पूरा वो पब्लिक सेक्टर के हाथ में हो, उसको गवर्नमेंट ओन करे. लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो प्राइवेटाइज हैं, जिसकी वजह से हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो इट्स अ मिक्स मेथड के उसके अंदर मिक्स सिस्टम है. इकोनॉमी के लिहाज से कि इसके अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, इसके अंदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं. तो प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के ऊपर ये कंप्राइज्ड है, दोनों के ऊपर मुश्तमिल है. तो इसके अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी काफ़ी हैं, इसके अंदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं. द प्राइवेट सेक्टर सर्व्स नियरली 7% ऑफ द पॉपुलेशन, 30% बाय द पब्लिक सेक्टर. 70% जो पॉपुलेशन है वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाती है और जो 30% पॉपुलेशन जो है वो गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर्स की तरफ जाती है. एज पर द पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन ऑफ हेल्थ इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक्सेप्ट इन फेडरली एडमिनिस्ट्रेड एरिया. लेट्स सपोज के अगर हम बात करें कि 18 अमेंडमेंट के बाद जो हेल्थ है ये प्रोविंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कि 18 अमेंडमेंट के बाद हर एक प्रोविंस जो है वो अपने ह्यूमन हेल्थ को मैनेज करने का खुद सोली एंड कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल है. तो अब ये उनके हाथ के ऊपर चली. थोड़ा सा सिस्टम के ऊपर बात करते हैं. हेल्थ सिस्टम इन पाकिस्तान का कैसा है, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी कि इट बेसिकली कंप्राइज्ड ऑफ गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर. तो ये फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर हम बात करें कि वो लोग किस चीज़ों के ऊपर बात करते हैं, और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ऊपर बात करें कि वो किन चीज़ों के ऊपर बात करते हैं. बेसिकली जो मिनिस्ट्रीज हेल्थ मिनिस्ट्रीज और जो दूसरी मिनिस्ट्रीज हैं वो एफिलेटेड हैं विद द फेडरल गवर्नमेंट, और वो जो मिनिस्ट्री का काम होता है उनका काम होता है प्लानिंग, प्लानिंग करना. उनका काम होता है कि कैसे हम लोग प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कराएं और उसकी कैसे प्लानिंग की जाए, किस तरीके से प्रोग्राम को फॉर्मुलेट किया जाए. वो सारे काम जो होते हैं वो फेडरल लेवल के ऊपर. अब फेडरल लेवल के ऊपर उन्होंने जब चीज़ें बता दी, फिर वो चीज़ें जो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो डेलीगेट कर दी जाती हैं प्रोविंशियल लेवल के ऊपर. ओके, दिस इज़ द प्लान, अब आपने इस प्लान को इम्प्लीमेंट करना है. तो दिस इज़ द इम्प्लीमेंटेशन प्लान, यू विल हैव टू इम्प्लीमेंट दिस एंड दिस इज़ द बजट वी आर ऑफरिंग टू, ताकि आपने इसके अंदर ये काम करना है और आप अपना बजट खुद प्रपोज करें जिसके हिसाब से हम आपको उसका एक प्लान देंगे. तो डिफरेंट प्रोविंशियल जो हेल्थ बजट्स हैं वो भी इसी हिसाब से किए जाते हैं कि पंजाब की पॉपुलेशन इतनी है, क्योंकि पंजाब इज कंसिडर्ड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन वाइज. तो वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी ज़्यादा है, तो उसका जो प्रोविंशियल हेल्थ प्रोग्राम है वो उसके अकॉर्डिंगली होगा. बलोचिस्तान का उसके अकॉर्डिंगली होगा, सिंध का इसके अकॉर्डिंग होगा, एंड सेम गोज फॉर केपीके का उसके अकॉर्डिंग होगा. तो प्रोविंशियल के जो हेल्थ प्रोग्राम है वो उसके अकॉर्डिंगली बनाया जाता है. एक हमारी छोटी सी रिसर्च है, इसका इनिशियल पेज हमने यहाँ पे लगाया है. आप चाहें तो इसको नेट पे जाके इसका टाइटल भी सर्च कर सकते हैं कि द हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड रोल ऑफ हेल्थ इकोनॉमिक्स इन पाकिस्तान. तो कौन कौन से हेल्थ प्रॉब्लम्स यहाँ पे लोगों के साथ एसोसिएटेड हैं और उसके लिए हेल्थ इकोनॉमिक्स का क्या रोल हो सकता है उसके लिए. कि बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट कि हेल्थ को मैनेज किया जा सकता है विद अ लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ.
ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान इज लो इनकम कंट्री, नहीं, पाकिस्तान कम्स इन द मिडिल इनकम कंट्रीज। तो पाकिस्तान में लोगों के पास जो पैसे हैं, बट वो भी उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं। अब प्राइवेट सेक्टर्स जो हैं वो उनसे अपनी ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो लोग गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ जाते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर ऑलरेडी ओवरबर्डन है, तो वो सारी चीजें जो है देखनी पड़ती हैं। तो उसके लिए हमने कुछ एक छोटा सा आर्टिकल लिखा था, तो ये आर्टिकल है, आप इसको जाते इस रिसर्च गेट के ऊपर ढूंढ सकते हैं। इसके बारे में डिटेल्ड में इसका नजर मौजूद है कि पाकिस्तान जो है वो डेवलपिंग कंट्री और कौन कौन सी कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीजेस हैं वो फेस कर रहे हैं, और किस तरीके से गवर्नमेंट अपना रोल प्ले कर सकती है, सोसाइटी को अपना रोल कैसे प्ले करना है। ये एक छोटा सा आर्टिकल है, ये आप अपार्ट फ्रॉम दिस एक और एक आर्टिकल है जिसके अंदर हम लोगों ने बताया कि हेल्थ इकोनॉमिक्स का रोल जो है वो पाकिस्तान में कैसे होता है। ये भी हमारे मैगजीन के अंदर पब्लिश हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हेल्थ इकोनॉमिक्स क्यों जरूरी है, क्योंकि ये वो एक एरिया है जो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं है, और एक बहुत बड़ा रिसर्च गैप इसके अंदर मौजूद है दैट नीड्स टू बी फिल आउट बाय द लोकल रिसर्चर्स और लोकल स्टूडेंट्स एंड ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। तो वो सारे जो सोशल साइंटिस्ट हैं और कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स हैं और लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, वो सारे लोग जो हैं वो इसके अंदर अपना रोल प्ले कर सकते हैं। और बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं कि जो जिनको इसके बारे में नहीं पता, उसके बारे में इसकी अवेयरनेस दे सकते हैं। इस आर्टिकल के अंदर हमने थोड़ा सा इस चीज के बारे में बात करी है, इसके बारे में हमने बात करी है कि कैसे जो बर्डन ऑफ डिजीज है हमारे मुल्क का, जिसके अंदर कंट्रीब्यूट करता है डिप्रेशन, इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट फैक्टर इन द कंट्रीब्यूट इन द मेंटल हेल्थ बर्डन ऑफ डिजीज। तो मेंटल हेल्थ का जो डिजीज का जो बर्डन है वो पाकिस्तान के अंदर एक एक सब्सटेंशियल है, वो देखा जा सकता है, वो प्रोमिनेंट है, उसकी सिग्निफिकेंट है इनके दुनिया के अंदर। तो दैट नीड्स टू बी एड्रेस, और उसके बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, दैट वन ऑफ द फैक्टर इज बेसिकली बिलोंग्स टू द इकोनॉमी। तो इसके लिए भी हमने एक छोटा सा एक आर्टिकल लिखा था, और ये भी आप रिसर्च गेट पे आराम से ढूंढ सकते। इसके साथ हम बात करते हैं कि जो डॉक्टर मोहम्मद वासे हैं, आ खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के, इनका एक एडिटोरियल था। ये एडिटोरियल भी ज़्यादा लेंथी नहीं, जस्ट 2 पेज का है, बहुत ले पब्लिक के लिए उन्होंने यहाँ पे लिखा है, बहुत आसान चीज़ें लिखी हैं कि हेल्थ इकोनॉमिक्स का क्या रोल है, जो पूरी दुनिया के अंदर ये होता है, लेकिन डेवलपिंग कंट्री के चैलेंजेस अलग होते हैं और डेवलप्ड कंट्री के चैलेंजेस अलग होते हैं, लेकिन हेल्थ इकोनॉमिक्स के जो प्रिंसिपल्स और रूल्स हैं वो इक्वली अप्लाई होते हैं दोनों पर, और वो कैसे अप्लाई किए जा सकते हैं। हमें उम्मीद है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब हम आगे वाले लेक्चर्स के अंदर जाएंगे तो हम मजीद और इसके टर्मिनोलॉजी समझेंगे, मजीद इसके कॉन्सेप्ट के साथ अपनी फेमिलराइजेशन बढ़ाएंगे। तो सारी चीज़ें जो हैं वो हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखेंगे कि क्या होता है। तो ये भी एक आर्टिकल था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पढ़ लें, कि आप फॉर योर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के कभी आपको मौका। अच्छा, कुछ हेल्थ केयर स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, ये कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट है, कि जैसे पाकिस्तान के अंदर जो सबसे प्राइमरी केयर की जो प्राइमरी केयर यूनिट्स हैं वो इतने ज़्यादा फंक्शनिंग नहीं है, या तो वो है ही नहीं, या अगर वो है तो या तो उसको यूटिलाइज नहीं किया जाता या वो अंडर यूटिलाइज। ठीक है, ऑन एस्टिमेट करंट हेल्थ बजट जो है वो इतना नहीं है कि पाकिस्तान का पूरा मेंटल हेल्थ की जो बर्डन है उसको कवर कर सके, क्योंकि कुछ रेफरेंसेस हैं, इवन बहुत सारे रेफरेंसेस ये इंडिकेट करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो टोटल हेल्थ बजट होता है उसका 0.4% जो वो मेंटल हेल्थ सेक्टर को एलोकेट किया जाता है। तो इतना छोटा सा बजट जो है वो इतने बड़े बर्डन को कवर करने के लिए सफिशेंट नहीं है।
अब वो बहुत लिमिटेड लोगों को मिलता है, बाकी लोग समहाउ मैनेज करते हैं। और जाहिर है डेफिनेटली कि इन्फ्लेशन भी एक बहुत रोल अदा करता है, और लोग जो है वो फाइनेंशियल स्ट्रेन के अंदर होते हैं। तो सारी चीज़ें, वो सारे फैक्टर अपनी जगह पे मौजूद हैं और वो सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं। लेकिन अगर हम बात करें बजट जो है वो प्राइमरी केयर के ऊपर यूटिलाइज करना चाहिए, प्राइमरी केयर को अच्छा बजट नहीं मिलता। अगर हम देखें ऑन अकाउंट के 5,395 बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं और 4,830 डिस्पेंसरीज अक्रॉस द पाकिस्तान, सही है कि जिस जो कि ना काफ़ी हैं, क्योंकि पाकिस्तान की पॉपुलेशन रैपिडली ग्रो कर रही है। तो लोग जो हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो अंडर यूटिलाइज हैं, तो लोग जो हैं उनको जब कोई प्रॉब्लम होती है वो बेसिक हेल्थ यूनिट, वो प्राइमरी केयर सेक्टर यूनिट, जो प्राइमरी केयर यूनिट है उसको अप्रोच नहीं करते। क्योंकि मेरे गली के कोने पे एक बेसिक हेल्थ यूनिट है, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। मैं सोचूंगा यार मुझे बीमारी है, मैं किसी क्लिनिक में चला जाऊँ, डॉक्टर को दिखा दूँ, या मैं ओपीडी करवा लूँ जाके। और तो लोग बेसिक हेल्थ यूनिट को नहीं कंसीडर करते। क्यों? क्योंकि बेसिक हेल्थ यूनिट जो है उनका इतना अच्छा प्रोसेस नहीं है, वहाँ पे इक्विपमेंट्स नहीं होते, वहाँ पे फंड्स नहीं होते लोगों के पास, वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं होते, वहाँ पे नर्सेस नहीं होती। तो लोग फिर ट्रैवल करते हैं कि यार मैं किसी दूसरे हॉस्पिटल चला जाऊँ या मैं किसी अच्छे क्लिनिक चला जाऊँ, ताकि एटलीस्ट मुझे ट्रीटमेंट तो मिल सके, क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट के लिए। तो इस साइड पे हमें बेसिक हेल्थ यूनिट जो है वो अंडर यूटिलाइज हैं। बेसिक हेल्थ यूनिट जो है आइदर नॉट यूटिलाइज और अंडर यूटिलाइज, बहुत सारे बेसिक हेल्थ यूनिट तो फंक्शनिंग नहीं। तो बेसिक हेल्थ यूनिट अंडर यूटिलाइज हैं, जिसकी वजह से सेकेंडरी केयर और टर्शरी केयर जो है वो ओवरबर्डन है। इफ वी स्पीक अबाउट कराची, तो कराची के अंदर अगर आप देखें, जिना हॉस्पिटल हो गया, सिविल हॉस्पिटल हो गया, अब्बासी शहीद हॉस्पिटल हो गया, अगर आप आते हैं रावलपिंडी की बात करें, रावलपिंडी के अंदर पे नसीर भुट्टो हॉस्पिटल हो गया, इसी तरह पेशावर की बात करें, जो बड़े बड़े जो जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो सिटीज हैं, वहाँ के अंदर जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं वो ओवरबर्डन है। क्यों? क्योंकि लोगों का जो माइग्रेशन होती है उनकी, वो माइग्रेट करते हैं आसपास के डिस्ट्रिक्ट से ट्रीटमेंट करवाने के लिए, क्योंकि उनके डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो फैसिलिटीज मौजूद नहीं है। अगर उनके डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो फैसिलिटीज दी जाए, डेफिनेटली डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल होगा, एक तहसील हॉस्पिटल होगा, लेकिन वो रिसोर्सफुल नहीं है, वहाँ पे अच्छी ट्रीटमेंट नहीं मिलती, इसीलिए जो पेशेंट्स हैं वो माइग्रेट करते हैं फ्रॉम वन डिस्ट्रिक्ट टू अनदर फॉर द ट्रीटमेंट। तो अगर बेसिक हेल्थ यूनिट को स्ट्रेंथन किया जाए, प्राइमरी केयर यूनिट को स्ट्रेंथन किया जाए, कि लोग पहले इन्हें अप्रोच करें, उसके बाद किसी और लेवल पे जाएं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। क्योंकि वन ऑफ द इजिएस्ट वे, सबसे आसान एक्सेसिबल जो है वो प्राइमरी केयर यूनिट है, जो सबके करीब है। हॉस्पिटल्स दूर हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इतने सारे हॉस्पिटल्स नहीं हो सकते, उसकी एक लिमिटेशन है, एक फंडिंग की लिमिटेशन है, एक रिसोर्स की लिमिटेशन है। तो लेकिन बेसिक हेल्थ यूनिट्स आप बढ़ा सकते हैं, और एक इसके भी एक प्रोसीजर है कि लेट सपोज कि 2,000 या 20,000 पॉपुलेशन के ऊपर एक बेसिक हेल्थ यूनिट होना चाहिए। तो इसलिए ये सारी चीजें जो हैं दैट नीड्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रेफर बैक टू द माइग्रेशन ऑफ द पेशेंट्स फॉर द ट्रीटमेंट इन द रिसोर्सफुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान। अब वो लोग जो है वो माइग्रेट करके आते हैं दूसरे शहरों से, क्योंकि उनके शहरों में, उनके डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो रिसोर्स मौजूद नहीं है। अब वो जब वहां से माइग्रेट करके आते हैं, तो यहाँ पे आप देखते हैं सिर्फ एक पेशेंट माइग्रेट नहीं करता। जब वो कोई पेशेंट है, वो बीमार है, वो किसी बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर आते हैं वहां पे एडमिट होने के लिए, तो वो अकेला माइग्रेट नहीं करेगा, उसकी पूरी फैमिली उसके साथ माइग्रेट करेगी। तो आप देखते हैं कि एक पेशेंट अंदर एडमिट है, उसके बाहर कोई लॉन है या कोई पार्क है, वहां पे पूरी फैमिली रह रही है।
लोग उस जमीन में लेटे हुए, तो ये ओवरबर्डन इतने हुए हैं हॉस्पिटल्स कि वो किस तरीके से मैनेज करें। तो एलोकेशन ऑफ द बजट शुड नॉट बी फेयरली और इक्वल, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, कि जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितनी पॉपुलेशन मौजूद है उसकी रिसोर्सेज उसके हिसाब से की जाए, ताकि ये एबनॉर्मल माइग्रेशन जो है इसको किसी तरीके से रोका जा सके। जिसके लिए सबसे पहले जो चीज है वो बेसिक हेल्थ यूनिट्स को देखना चाहिए, अगर ये फंक्शनिंग नहीं है तो क्यों फंक्शनिंग नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, अगर ये अंडर यूटिलाइज्ड हैं तो क्यों अंडर यूटिलाइज्ड हैं, अगर हम इनको स्ट्रेंथन नहीं करेंगे तो कैसे लोग रिलाय करेंगे, कैसे पेशेंट इनके ऊपर ट्रस्ट करेगा। पॉलिसीज बनाई जाती हैं एडहॉक बेसिस के ऊपर, टेम्परेरी उनको रखा जाता है, वो लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि कुछ टाइम के बाद डॉक्टर चले जाते हैं छोड़ के, डॉक्टर्स नहीं होते, पैरामेडिक स्टाफ होता है वो भी छोड़ के चला जाता है। तो इट मीन्स कि प्रॉपर पॉलिसीज बनानी चाहिए, प्रॉपर एलोकेशन ऑफ फंड्स करने चाहिए, हर एक इक्विपमेंट हर चीज वहां पे मौजूद हो, ताकि ये सारी चीजें जो हैं दैट उसको मॉनिटर किया जा सके। तो ये बहुत एक जरूरी। अच्छा, लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास जो है ये सारे इश्यूज मौजूद हैं, और जो मैंने आपको इनके बताए कि दीज थिंग्स कैन बी रिफॉर्म्ड इन अ वे। तो राइट साइड पे हमने कुछ चीजें जो इनकी रिफॉर्म करी है, कि पाकिस्तान के अंदर जो बजट एलोकेट होता है हेल्थ का, उसके अंदर मेंटल हेल्थ का सेपरेट एलोकेशन होता ही नहीं है, तो उसका सेपरेट एलोकेशन होना चाहिए, जैसे कि चाइना के अंदर होता है, इंडिया के अंदर होता है, हमारे कंट्री के अंदर भी मेंटल हेल्थ का बजट का सेपरेट एलोकेशन होना चाहिए हेल्थ बजट के अंदर। और ये भी देखना चाहिए कि एक बेसिक हेल्थ यूनिट को चलाने के लिए क्या कॉस्ट पड़ती है, तो उसके लिए एक प्रॉपर एलोकेशन होना चाहिए। जब तक बेसिक हेल्थ यूनिट को स्ट्रेंथन नहीं किया जाएगा, ये टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स और सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल हमेशा ओवरबर्डन रहेंगे। तो और एलोकेशन जो है वो फेयरली डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए, एलोकेशन ऑफ बजट जो है वो फेयरली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। और यही सारी बातें जो है इसके अंदर हमने इसके अंदर डिस्कस करी। ये है टोटल पाकिस्तान का हेल्थ केयर का स्ट्रक्चर, किस तरीके से लोग जो है अपनी ट्रीटमेंट के लिए स्ट्रगल करते हैं, ट्रीटमेंट के लिए लोग इस तरीके से समहाउ फंड्स मैनेज करते हैं। आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम कुछ मजीद टॉपिक्स पढ़ेंगे। अगर कोई भी आपको कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, हमारा ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, वहाँ पे आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।